सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है श्री गणेश जी के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 11:03 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 9:29 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, आज के दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। आपके दृष्टिकोण से आज कोई नया आयाम जुड़ेगा या आप किसी अपरिचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से अप्रत्याशित अत्यधिक प्रभावित होंगी। आपको यह सीख मिलेगी कि अपना भविष्य तय करने में तथा अपनी जिंदगी में फिलहाल चल रही समस्याओं को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको ही निभानी है। पारिवारिक सुख सुविधाओं व शॉपिंग में समय व्यतीत होगा, खर्चा अधिक रहेगा, परंतु आप घर के सदस्यों की खुशी प्राथमिकता रखेंगी। धार्मिक निवेश संबंधित मामलों में भी कुछ योजनाएं बनेगी। आज आप खुद को काफी सशक्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ पा सकते हैं। आपको सितारों का पूरा साथ मिलेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। आपके लिए समय काफी हद तक सकारात्मक ही रहेगा। आपके पास परम शांति से जुड़ने और पहुंचने का अवसर है। आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं। परिस्थितियां आपके विरुद्ध भी हो सकती है, लेकिन आपको उससे हार नहीं माननी चाहिए। सितारे आपके करियर को मजबूत करते हैं और आप सकारात्मक, साहसिक और सही निर्णय लेंगे। सावधानियां, घर के बुजुर्गों के सदस्यों को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज ना करें। लव लाइफ की बात करें तो ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा। आप हाल फिलहाल ही किसी की ओर आकर्षित हुए हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रहे। आप उनके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सके तो यह आपके लिए जिंदगी का यादगार रिश्ता बन सकता है। करियर की बात करें तो आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर खो सकती हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। सेहत की बात करें तो आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड़ने की जगह सब पहलुओं के बारे में संदेहशील होकर अपने दिमाग को संतुलित करके सोचना होगा। आपके लिए समय अच्छा है। आपके लिए यह समय रोमांस और मजे करने का भी है। आज आपकी तबीयत ठीक रहेगी।
आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।